नहीं बोलती तोड़ ले तुमसे देखती हूं वो देख सकते हैं जिस तरह से हिटैची अभी सामने आई हुई है। लोगों का कहना है कि जब मैन पावर से तोड़ा जा रहा है तो फिर हिटैची चलाने की क्या जरूरत है, और ये इसके पूरी तरह खिलाफ है। और ये लोग जो है जमे हुए हैं और हिटैची को आगे नहीं दिया जा रहा है। इंक्रोचमेंट को तोड़ने नहीं सकता, इसको अलॉटमेंट वाला जमीन आके तोड़ दे, देख लो, और वो भी उसका जमीन तोड़ता है जिसका 40 स्क्वायर मीटर जमीन कमती है। ये क्या जुलूम है, ये तो जबरदस्ती जुलूम है, सच पूछो तो। नमस्कार आदाब, मैं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद हैं जंगली घाट में, जहां पर आज एक दीवार को तोड़ा जा रहा है। उनका कहना यह है कि फुटपाथ बनाने के लिए घर के दीवार को तोड़ा जा रहा है। यहां पे मुद्दा यह था कि इन लोगों का जो है 30-40 साल से ये जगह है, और यहाँ पे जो है दीवार जो है इनके रेवेन्यू लैंड के ऊपर बना है, ये डिपार्टमेंट का कहना है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यह जो है 30 साल से इनके कब्जे में है, और ये जो फुटपाथ जो अभी प्रेजेंट 3 मीटर के करीब है, ये फुटपाथ जो है केवल एक पगडंडी हुआ करता था। इन दोनों के जमीन को लेकर ही यह फुटपाथ बनाया गया था। अब प्रशासन, यहाँ के लोग ये भी बोलते हैं कि इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया, और नोटिस कल रात को दिया और आज तोड़ने के लिए आ गए। प्रशासन से यह पूछना चाहूँगा कि इतनी भी जल्दी क्या थी यह दीवार को तोड़ने की, क्या उनके साथ में ये इनजस्टिस नहीं है? अगर आपको तोड़ना ही था तो उनको कुछ टाइम दे देता और वो उस समय तक वो तोड़ देते। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि ये अब जो 3 मीटर का फुटपाथ है, ये 3 मीटर को 4 मीटर या 5 मीटर करने की कोशिश की जा रही है, तो ये किसके बहकावे में आकर किया जा रहा है या किसके बोलने पर किया जा रहा है, यह जाँच का विषय है। लेकिन एक तरफा जो लोग काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उंगली उठा रही है प्रशासन के ऊपर। आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन, पुलिस और रेवेन्यू के अफसर यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्हीं की निगरानी में यह दीवार को जो है तोड़ा जा रहा है। ये देखते हैं और पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर मुद्दा क्या है, क्या हुआ, क्या था मैडम बताइए। पूछना था यही हुआ, मेरा 1.5 मीटर फंसा है, हमको क्लियर करके दे दो, मेरा जितना है हम लोग अपना जमीन जो क्लियर करके दे दीजिए, उसका बाद में आप लोग तोड़ने मांगते तोड़ लीजिए। 1.5 मीटर हम लोग का पड़ा है, वो कहाँ गया 1.5 मीटर हम लोग का जमीन में? आप लोगों को नोटिस कब दिया था? ये नोटिस 27 तारीख को दिया था ना, तो मगर कल हम लोगों ये कि तोड़ने के वास्ते नोटिस आ गया कल, और कल दिन को 2:30 बजे, और आज आके लोग कार्रवाई करने के वास्ते आ गए। इतना जल्दी हम लोग को टाइम भी नहीं दिए कि हम लोग कुछ कार्रवाई कर सके। मेरा लैट्रिन है, बाथरूम है, हम कहाँ जा रहा, बुढ़ा आदमी, सीनियर सिटीजन, हम लोग दोनों सीनियर सिटीजन है। मेरा 4 लड़कियाँ 4 जगह पार हो गए, हमको कौन देखेगा? ये लोग बस्ती वाला देखेगा, हम तो आएगा, ये लोग हमको तोड़ने को देखता, मारने को देखता, बुढ़ा बुढ़ी को। मगर आज लोग बोल रहे हैं कि जब सर्वे वाके नाप रहे हैं तो बता रहे हैं कि हमारा 25 स्क्वायर मीटर जाता है, जबकि पकड़ी फोटो ले ली, 25 स्क्वायर मीटर जा रहा है, तब भी हम बोले आके मेरा जमीन आप हमको डिमार्केशन करके दीजिए, तब भी नहीं कर रहे हैं। उस लोग डायरेक्ट यही बोल रहे हैं कि आपका बाद में वो देखा जाएगा, मगर आपका लैंड पहले रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद कल को अगर मेरा लैंड निकला तब क्या करेगी हम? अब 2010 में क्या जमीन सरक गया, जो वो टाइम सर्वे क्यों करे वैसा, या तो वो टाइम हमको लिख के देना था इंक्रोचमेंट था करके, वो टाइम नहीं लिख के हम प्लान निकाल के आज घर बना दिए, मेरा सेफ्टी टैंक, पानी लैंक सब कुछ है, आज उन लोग इस तरह कर रहे हैं हम लोग से। पुराना डिमार्केशन में आपका जो पटा लैंड है उसमें कितना जमीन आपके हिस्से में? 250 है, दिखाए थे 250 स्क्वायर मीटर जमीन, 250 जी, उसमें भी कुछ शॉर्टेज था, लोग बोलते थे कि रोड में है, रोड में तो मतलब लिखा हुआ नहीं है, 3 नक्शा बना के दिया। जब हम लोग पूछे कि 3 नक्शा डिफरेंट क्यों है, अभी प्रेजेंट नक्शा के हिसाब से हम लोग का लेंथ 22 मीटर आता, 360 स्क्वायर मीटर आता, अगर ये 4 मीटर का 6 मीटर का दिखाता है तो मेरा लेंथ भी 22 मीटर का निकालो, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना हाथ से बना दिए, हाथ से बन जाता क्या नक्शा? नहीं बनता ना, और पट्टा बोलने से बोलते हैं कि कैसा पता तुम लोग को पट्टा 250 स्क्वायर मीटर का है, और पट्टा जमीन है, जमीन फिर ये जमीन जो है पट्टा है, पट्टा लेके ही घर बनाया गया, जब घर बनने के टाइम में टूटा था तब क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, अभी क्यों बोलते हैं? वाले ऑब्जेक्शन नहीं किया, सब आए थे हमारा घर ओपनिंग में भी सब आए थे, आज क्यों बोल रहे हैं उन लोग?
अगर ऐसा बात है तो दीवार नाला बंद कर दीजिए ना, वो तो हम करने को तैयार है, और तोड़ना भी है तो हमको टाइम दीजिए, हम तोड़ेगी, और कोई के सामने हम कोई बुलडोजर हम नहीं चलाने मांगती अपना घर में। आपको ये नोटिस यहाँ पे जो जगह एक्स्ट्रा एक्सेस लैंड जो आपने ऑक्यूपाई किया उसको हटाने के लिए आपको नोटिस कब दिया गया? कल शाम को दिया गया। सर एक्सेस लैंड नहीं है सर, 250 स्क्वायर मीटर में भी शॉर्टेज है, उसमें लोग बोल रहे हैं खुद मेंशन है कि हम लोग का 40 स्क्वायर मीटर, वो भी हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए लेस वाला दिखिए, हम लोग का एक्सेस लैंड कुछ भी नहीं है, हम लोग का पट्टा जो है, वो गेट है वो भी आपका घर है, ग्रीन हाउस से, ग्रीन हाउस से यहां तक वो ग्रीन हाउस से जी। कितना कितना जमीन? तीन चंद कैसर है, 250 स्क्वायर मेरा जेट का, मेरा ननद का, टोटल 250 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर, वो भी कम दिखाते हैं। हम लोग का है कि शॉर्टेज ढूंढ के दे दीजिए, उसके बाद में हम लोग को दिखाइए ना, पहले हम लोग को तो रिपोर्ट में लिखी है कि यहाँ तक बाउंड्री शो किए थे, ओवर टाइम एंक्रोचमेंट अगर मेंशन कर देते तो घर नहीं बनाया जाता वहाँ पे, ओवर टाइम मेंशन नहीं करके अभी क्यों बोलते हैं कि एंक्रोच किया गया है, म्युनिसिपल से प्लान लेके बनाया गया है, सब हुआ है फिर क्यों ओवर टाइम कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, ओवर टाइम करते तो नहीं बनाया जाता। दोनों तरफ में हमारा गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी कोलता रोड है, वहाँ पे फुटपाथ है, हम लोग दोनों घर के बीच में रिटेनिंग वॉल है, वो भी म्युनिसिपल उठाया गया है, कैसे उठाया? रोकने नहीं, हमारा जमीन पे गई है कि अचानक हम लोग 2010 में डिमार्केशन कराए थे, वो टाइम में हमारा बोले कि बॉर्डर यही है, सभी का प्रेजेंट में किया था, उनमें कन्हैया लाल भी से साइन करे, सब करे थे, आज उन लोग सर्वे करके बोल रहे कि हम 25 स्क्वायर मीटर एक्सेस में है करके, मतलब रोड का लैंड में है, जबकि मेरा भी अभी जब लेटेस्ट अभी सर्वे करे तो मेरा 40 स्क्वायर मीटर शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज होते हुए मेरा 25 भी काट देंगे तो फिर हम कहाँ जाएगी, और हम पूरा प्लान लेके घर बनाएंगे। ऑपोजिशन पार्टी भी साइन किया था कि उसको साइन है वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का कि ये हम लोग का ही, ये हम लोग का ही बाउंड्री है करके, फिर आज आके तुम लोग बोलते हैं कि हम लोग एंक्रोच करके रखे, ये तो गलत है ना, हम लोग प्लान लेके घर बनाए, एक इंसान मेहनत करके बनाता, और ये मेरा पापा का मतलब पापा का दादी का जमीन था, वो अपना बेटा को देखती वो उसमें उससे मेरे पापा को आया, फोर फादर्स का जमीन है ये। मैम एक बात जानना चाहूंगा, क्या ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी एक ही फैमिली का है? एक ही फैमिली का नहीं सर, उन लोग खरीदा वाला है और हम लोग का दादी का उससे हिस्सा मिला वाला है, पट्टा लेन। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो फुटपाथ अभी दिख रहा है ये पहले जो है केवल छोटा सा पगडंडी, मेरे सास लोग वैसे ही बोल रहे थे सर कि मैं तो शादी होके आए, पूरा पब्लिक भी बोल रहे हैं सर यहाँ का, हम जब से आई तब से रोड यही साइज है, और मेरे हस्बैंड लोग भी बोलते थे कि यही साइज था, कभी इससे बड़ा नहीं था, इन लोग सर मेरे ननद लोग मेरा सास लोग पूरा बस्ती लोग बोलते बहुत छोटा था, इन लोग टैक्सी लिए था। जिन्होंने कंप्लेंट दिया है उनका कहना है कि ये 40 साल से केस लड़ रहे हैं, अभी उनको मतलब रिजल्ट मिला है सर, उन लोग जाके पूछ के देखिए सर 40 साल से कहाँ से, मेरे शादी होके भी हमें 20-25 साल हो गया, उन लोग सभी जानते हैं कि सर सभी जन बोलते हैं कि हम लोग का संग गलत हुआ है, उन लोग सब बोल रहे हैं कि यही तक था सर्वे गलत हुआ है, सभी हम लोग का सपोर्ट में है, उन लोग बोल रहे हैं कि गलत हुआ है, अब उन लोग से भी जाके पूछ लीजिए कि सवाब हुसैन का जमीन में गलत हुआ है, गलत वाले भी अभी ये पूरा जो बिल्डिंग है म्युनिसिपल प्लान के तहत ही बना, म्युनिसिपल प्लान के तहत बना है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा फोटो है मेरा पर, इन लोग सभी हमारे घर ओपनिंग में आए थे, आशीर्वाद देते थे हमेशा, सब कुछ अच्छा था, आज अचानक हमारा 2022 से बात आया, से पहले कभी नहीं हुआ। वजह क्या है मैम? वजह शायद इन लोगों को सही में प्रॉब्लम होता था, बोलते नाला का बच्चे होता था शायद, वो कुछ उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम था, वो वजह से हुआ, मगर उसमें हम लोग भी लपेटा में आ गए, हम तो अभी भी बोलती है कि मेरा शॉर्टेज है, तब भी हम ये जगह को बंद कर देगी, मंगता वो ये तोड़ना है तो भी हम तोड़ के दे देंगे, अपना हाथ से तोड़ेगी, बुलडोजर मेरा घर में नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा सास ससुर का घर हम आके मेहनत से बनाई, बहुत अपना पर्सनल लोन लेके बनाई वाली है, पूरा बस्ती देखा है और पूरा खोल के हम बनाई, ना पर्दा डाली ना हम कुछ डाली, ओपन घर बनाई है, अगर किसी को पता रहता है कि अगर एंक्रोचमेंट है कभी वो बनाएगा नहीं, चुप चुप के बनाएगा, हम बिना चुप के बनाया वाला घर है, और पीछे वाला जमीन भी मेरा पुप्पू का था, उसका मतलब मेरे हस्बैंड का पुप्पू का था, उनका दादी का बहन का जमीन था, वो आज जाके 2010 का बाद में वो सब जमीन घेरा गया है, ये ना बहुत पुराना रोड था, इसमें इंसान जो है ना बॉर्डर ऊपर चलता था, 3 मीटर नहीं था 2 मीटर था, उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट आके अपने आप पे फिर ये लोग जो पब्लिक का डिमांड के ऊपर से ये रोड बना, ये रोड 3 मीटर है, रोड चौड़ा मतलब 3 मीटर ज़्यादा नहीं था, ठीक है, उसके बाद अब ये क्या है फुटपाथ कोई जहाँ बोर्ड पर के अंदर में 4 मीटर है ही नहीं, कहीं भी आप चेक कर लो। तो आपके जमाने से ये यहाँ पे मतलब फुटपाथ था ही नहीं आपका बोलना है? नहीं फुटपाथ नहीं था, ये था फुटपाथ 1 मीटर का था, 1 मीटर का था, उसको हुआ 1.5 मीटर, फिर हुआ म्युनिसिपैलिटी 2 मीटर, उसके बाद कोई फुटपाथ था ही नहीं, अब उनसे एरिया के अंदर कहीं भी आप ढूंढो क्या पकड़ेगा आपको, समझा?
हुआ नहीं। सर हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो रोड अभी है जिसमें आप खड़े हुए हैं, हाँ, ये रोड बनाते समय भी इसकी अगुवाई आप ही कर रहे थे आप? हाँ, हमें पीडब्ल्यू वर्कर्स संघ है, हमें ही कराता है जी जी। तो उस समय भी ये फुटपाथ नहीं था? नहीं, इधर फुटपाथ नहीं था, खाली बॉर्डर था, बॉर्डर था खाली। तो ये बोल्डर वाला जमीन भी किन्होंने दिया था पीछे जाने के लिए? नहीं, मतलब ना बॉर्डर जो गवर्नमेंट लैंड था वो, उसका बाद में जमीन कम पड़ा है, दोनों साइड से हम एक एक मीटर करके लिया। जितेंद्र लाल घड़ी घड़ी आके हमारा लैंड नाप रहा है, जरूरत नहीं है ना सर, वो सर्वेयर वो पटवारी नहीं है ना, उसको अरेस्ट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बाप बेटा घड़ी घड़ी क्यों नापते हैं? नहीं, आप मेरा लैंड वो बाप बेटा के नहीं नापते। सर एक बात पूछना चाहूंगा सर, एकदम मेन सिटी में कार्बिन के बीच में, कार्बिन का जो गेट है वहाँ पे एक एंक्रोचमेंट लैंड अभी अभी नया हुआ है, उसको तोड़ने के लिए आप लोगों को ऑर्डर नहीं दिया? उसका बारे में आपको मालूम नहीं? मालूम होना चाहिए ना आप लोगों को, एरिया भी नहीं है, मतलब जिसका जरूरत है उन्हीं को खाली मतलब एरिया मालूम होता है आप लोगों को? अच्छा ठीक है ठीक है।